हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये जो बर्फ़ी आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी जैसी बाज़ार में मिलती है उसी तरीके की बर्फ़ी हम यहाँ पे तैयार करेंगे। और ये मैंने स्पेशली बनाई है तिरंगे के कलर में, तो ये भी देखेंगे कि हम इसे कैसे सेट करेंगे, कैसे हम इसमें तिरंगे का कलर लाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में दूध, तो मैं यहाँ पे एक कप दूध ले रही हूँ। दूध के गर्म होते ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी। दूध मेरा यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है और मैं इसके अंदर आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शुगर यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गई है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं साथ में इसमें ऐड करूँगी इलायची पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इन सारी ही चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करूँगी और अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा वनीला एसेंस। इसको भी अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करूंगी। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी और फिर 2 कप मिल्क पाउडर ऐड करूंगी और इसको मैं डालूंगी 2 कप मिल्क पाउडर। और तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 कप मिल्क पाउडर लिया है और इसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स करूंगी। हमें ऐसे मिक्स करना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। अगर लम्स पड़ रहे हैं तो आप लम्स को ख़त्म करते जाएं और लगातार इसे चलाते जाएं। यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से लगातार चला रही हूँ और अब इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स नहीं है। ये एकदम डो की तरह तैयार हो जाएगा, अपना स्टिकीनेस छोड़ने लगेगा, बिल्कुल डो की तरह खट्टा होने लगेगा। तब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पूरा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मिल्क पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद मैंने इसको ठंडा भी कर लिया और मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। और सबसे पहले मैं इसका 1 पार्ट लेके यहाँ प्लेट में लूंगी। और साथ ही मैं इसका 2 पार्ट भी ले लूंगी यहाँ पे दूसरी प्लेट में। तो मैंने यहाँ पे 2 पार्ट डिवाइड किए हुए थे और दोनों को मैंने प्लेट में लिया है अलग अलग। इसके अंदर दोस्तों मैं ऐड करूंगी यहाँ पे ग्रीन फूड कलर, आपको दिख रहा होगा मैंने इसे मिक्स किया हुआ है बहुत कम पानी के साथ। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ऑरेंज फूड कलर, इसको मैं मिक्स करूंगी इसमें। तो दोनों ही कलर को हम दोनों ही इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथों की मदद से करना है। हाथ पे थोड़ा सा चिपकेगा तो आप हाथ पे घी लगा लो या ग्रीस कर लो जैसे मैंने किए हुआ है। और उसके बाद मैं इसे मिक्स करूंगी इसके साथ। तो यहाँ पे मेरे 3 कलर रेडी हैं। इसको मैंने दिया है ग्रीन, इसको ऑरेंज और ये वाला मैंने ओरिजिनल छोड़ा है वाइट। इसके बाद हम इसे ट्रे में सेट करेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पे एक लंच बॉक्स। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी ग्रीन कलर और इसको मैंने अच्छे से ग्रीस करा है घी की मदद से। आप ऑयल घी किसी से भी इसको ग्रीस कर लीजिए या आप बटर पेपर यूज़ कर रही हैं तो आप बटर पेपर रख लीजिए। मैंने इस पर देखिए ग्रीन लेयर सेट कर दी है और मैं नीचे भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेट करनी है। और मैं सेम तरीके से इसके बाद इस पर रखूँगी वाइट और उसके बाद मैं इसके ऊपर रखूँगी ऑरेंज। यहाँ पे मैंने 3 लेयर अच्छे से सेट कर दी हैं और मैं इन्हें छोड़ दूंगी अब 2 घंटे के लिए यहीं, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया है और मैंने इसे कट भी कर लिया है। मैंने इसे कुछ बादाम और सिल्वर वर्क के साथ गार्निश करा है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है अब दिखने में। और जो इसकी लेयर है वो बहुत ही अच्छे से सेट हुई है, ये देखिए। आप इसे अपने घरों पे ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी मज़ा आएगा, खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगी बिल्कुल।
आपकी आंखों के सामने बनी है, इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है।